अरावली पर्वत श्रृंखला पर पाषाणकालीन कलाकृतियां मिली हैं। हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो बीते शुक्रवार अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं पर गए थे रिसर्च के लिए, और वहां पे वो कलाकृतियां पहाड़ी पत्थरों पर उकेरी गई थी। सुनील हरसाना हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है हरियाणा तक के इस मंच पर आपका। कैसे आप वहां तक पहुंचे, और आपने जो दावा किया है कि वो पाषाणकालीन है, हालांकि 2021 में भी इस तरह की तमाम कलाकृतियां या फिर पत्थरों के औजार आप सामने रख चुके हैं, कैसे वहां तक पहुंचे? देखो, मेरा तो वो एरिया है, मैं पिछले 11 साल से वहां पे अरावली में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम कर रहा हूं। तो अगर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की बात आती है तो फिर मेन चीज़ है कि अरावली मैन हैबिटेट है, और ये मैं एडिशनल मान के चल रहा हूँ कि इसमें इस तरह की हेरिटेज साइट्स के मिलना जो है वो और इस स्कोप्स को और जो है इम्प्रूव कर देता है, संभावना को बढ़ा देता है। तो अभी जो रिसेंट की बात है तो फिलहाल मतलब मैं जनरली जो है क्योंकि रिसर्च करता हूँ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पे, तो मेरा आना जाना लगा रहता है जंगल के एरियाज में। मैं काफ़ी डीप एरियाज में भी जाता हूँ जब वाइल्ड लाइफ के लिए जाता हूँ। तो ये दोनों बार ही ये एक संयोग था कि मैं वाइल्ड लाइफ के लिए ही गया था। पिछली बार भी जो जो डिस्कवरी हुई थी वो वाइल्ड लाइफ सर्वे के दौरान ही हुई थी, और इस बार भी मतलब चाहे इसको जो है नेचर का आशीर्वाद मान लो या कुछ भी है, कि दूसरी बार भी मुझे ही ये चांस मिला। अच्छा, किस तरह की कलाकृतियाँ थी उस पहाड़ पर? ये कलाकृतियाँ जो हैं ये बड़ा मतलब जनरली जो है पत्थरों के ऊपर उकेरे हुए शैल कृतियाँ हैं, जो कि मतलब आर्कियोलॉजिस्ट या इतिहासकार जो है इसे पाषाण काल के जो है चीज़ें निशान जो है वो मानते हैं। तो ये जनरली क्या होता है कि पत्थर जो होते हैं तो पत्थर के ऊपर कुछ निशान होते हैं उस टाइम के, जिनमें ज़्यादातर एक कप मार्क होता है। वो कप मार्क जो है ना वो दो की लाइन में चलता है, एक गोल मार्क चलता है। वो थोड़ा उसमें उसका पैटर्न चेंज हो जाता है कई जगह, कभी वो बिल्कुल सीधा होता है, कभी वो आई की शेप में होता है, कभी वो एल की शेप में होता है। तो ये सबसे मेन आइडेंटिटी है कि यहाँ पे साइट है। उसके अलावा जो है अच्छी साइट है, मतलब ये जनरल टूल हो सकते हैं कि ये हो सकता है कि एक हैबिटेट एरिया है या ये है, पर एग्जैक्ट जो साइट है वो अगर मिल जाती है तो उसमें क्या होता है कि उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे इस साइट की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक पग मार्क बना हुआ है जो किसी कैट फैमिली के जानवर जैसा है, वो लेपर्ड का हो सकता है या टाइगर का हो सकता है। वहाँ पे एक हाथी की सैल करती है, वो वहाँ पे मतलब वो देखने में हाथी जैसा लगता है उसको, कि ये हाथी से ही वो मिलता जुलता है। या एक किसी इंसान के पैर बनाए हुए हैं खोद करके पत्थर पे, गाय भैंस के बनाए हुए हैं। इससे पहले भी जो और साइट्स मिली थी तो उनमें जो है जनरली हाथ पैर और टाइगर के मार्क मिले थे, पर पहली बार जो है पत्थर के ऊपर हाथी जैसा जो वो, और खासकर जो अमन अरावली इसके अंदर हाथी की उपस्थिति अब तक दर्ज नहीं की गई है, काफी महत्वपूर्ण है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इसमें हाथी की चांस आए हैं। हालांकि इसके पहले जो एक और जो रॉक शेल्टर वाला था तो उसमें एलिफेंट राइडर बना है। अच्छा, लेकिन पत्थर के ऊपर जो एलिफेंट जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है कि मतलब मेरे हिसाब से मैं देखता हूँ कि कैटल का जो है, गाय भैंस का जो पगमार्क जो बना है वो पहली बार डिस्कवर हुआ। तो आपने इसकी जानकारी या एक अरावली के अंदर जहां जहां आपने देखा उस, मैं शुक्रवार की बात कर रहा हूँ, बीते शुक्रवार की बात कर रहा हूँ, क्या सिर्फ एक ही जगह पर मौजूद थे या फिर और दूसरी जगहों पर भी इस तरह की चीजें मौजूद थी? नहीं, जब साइट होती है ना तो साइट में क्या है कि साइट बहुत बड़ी होती है अपने आप में। वो करीब करीब जैसे ये वाली साइट है, ये करीब एक से दो तीन मतलब दो या तीन हेक्टेयर तक भी हो सकती है। मैंने जितनी डिस्कवर की है वो करीब दो हेक्टेयर से ज्यादा बड़ी है। पुरातत्व विभाग ने पहले भी आपकी बातों पर संज्ञान लिया था, वो तमाम वो जो कलाकृतियां थी उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, कहां तक पहुंची रिसर्च? वो तो जी सरकारी काम है, वो ही बताएंगे। देखो, जनरली जितना मुझे पता है कि उस टाइम पे कुछ साइट डिस्कवर हुई थी, हमने उनको इन्फॉर्म किया, उन्होंने एक जो है फॉरन जो विजिट थी वो की वहाँ पे,
उसके बाद जो है कुछ प्रपोजल बना था, मैंने मीडिया से ही मुझे खबर मिली कि इस तरह से वो एक डीप सर्वे उन्होंने प्लान किया है, और उन्होंने संभावना जताई थी कि ये सारा एरिया जो है वो हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट रहा है, तो इसमें जो है एक डिटेल्ड सर्वे करने की ज़रूरत है 5000 हेक्टेयर। तो मैं तो यही कहूँगा कि उस टाइम जो सिर्फ संभावना थी, ये साइट जिस जगह पर मिली है, अभी तक जो था मांगर वाले एरिया को ही कंसीडर किया जा रहा था, पर ये साइट जो मिली थी वो बहुत मिली थी जो पहले से ही खासकर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने स्कोप बताया था कि इस एरिया में भी मिल सकता है। वो अलग बात है कि उस टाइम हुआ नहीं, पर अभी जो है यहाँ पे मिला है तो स्कोप बढ़ जाता है। तो मतलब दो चीज़ें मेरे हिसाब से है कि एक जो वो डीप सर्वे थी इस एरिया की वो होनी चाहिए, दूसरा जो जहाँ जहाँ ये साइट्स हैं उनको, क्योंकि ये पहले ही माइनिंग की वजह से, रियल स्टेट इंक्रोचमेंट इन वजह से पहले ही काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो जो बचा है उनको आइडेंटिफिकेशन दे देना चाहिए ताकि आगे जो भी कुछ चीज़ें, जो एक्टिविटीज़ जो अरावलीज में बन रही है, चल रही हैं, उनमें इन चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाए। अच्छा, आपसे क्या कॉन्टेक्ट किया गया है पुरातत्व विभाग के द्वारा कि कहाँ पर ये साइट है, कहाँ पे रिसर्च करनी है, आपकी कोई मदद ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी, इस तरह की बातचीत के बारे में कुछ आप जानकारी देना चाहें तो? आई थिंक देखो, मेरे को इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं है। मैं एक एज ए सिटीजन मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं उस रीजन को कंजर्व करना चाहता हूँ क्योंकि वो दिल्ली NCR के लिए मतलब एक लाइफ लाइन है, क्योंकि वाटर रिचार्ज जोन है, एयर क्वालिटी है। तो मैं तो फर्स्ट तो आज के प्रेजेंट की बात करता हूँ, सेकेंड मैं फ्यूचर की बात करता हूँ। दूसरी बात है कि उसके प्रिजर्वेशन में बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ों के लिए हम अरावली पे डिपेंड है। इसके साथ साथ अगर उसका हेरिटेज इम्पोर्टेंस भी है तो फिर तो मतलब मेरे हिसाब से सोने पे सुहागा है। मैं एज ए यहाँ का रेजिडेंस होने के नाते से जिस तरह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, ग्राउंड वाटर, एयर जो क्वालिटी है वो गड़बड़ा रही है, बायोडाइवर्सिटी वगैरह ये सारी चीज़ें, तो अगर ऐसे में वहाँ पर स्कोप है हमें अरावली को प्रिजर्व करके रखने का और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, ना सिर्फ इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बल्कि उसका हेरिटेज इम्पोर्टेंस भी हम अगली फ्यूचर को एज ए धरोहर दे सके, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। अच्छा, ये शेल्स कितने साल पुराने होंगे? आप तो इस चीज़ में लगे हुए हैं 2021 से, या फिर आप बता रहे हैं कि 10-12 साल हो गए आप रिसर्च करते करते, कितने साल पुराने शेल्स होंगे, और जो पहले शेल्स आपको मिले थे वो कितने साल पुराने थे? आई थिंक देखो, मैंने इस लाइन में कोई प्रॉपर टेक्निकल पढ़ाई नहीं की है, तो मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं करना चाहता कि जिससे कोई मतलब उस सारी बात को जो है ना बिल्कुल दूसरी साइड में लेके चला जाए। और जो मैंने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि करीब जो पेंटिंग, रॉक पेंटिंग वाला जो पीरियड था वो इसके बाद आया था, तो वो उनका जो है वो करीब 25,000 साल से 1,00,000 साल के बीच का पीरियड मानते हैं जिसमें कि वो रॉक पेंटिंग थी। दैट्स मीन कि अगर वो उसके बाद आया था तो ये 1,00,000 से और ऊपर चला जाता है। शुक्रिया, ये मेरे को जनरल नॉलेज है। शुक्रिया। तो इसके ऊपर पुरातत्व विभाग ने ज़रूर बयान जारी किया है। मैं आपको बताऊं, देखिए अरावली की इम्पोर्टेंस इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं को न केवल ये रोकती है डायरेक्ट दिल्ली NCR में आने से, बल्कि 2.5 अरब वर्ष पुरानी सभ्यता है, यानी भगवान श्री राम से भी पुरानी सभ्यता है। और अब इस तरह के अवशेष, इस तरह की कलाकृतियां मिलना यहाँ पे, पाषाण काल जिसके अंदर जुड़ जाता है, आदि मानव काल जुड़ जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। 2021 में भी पुरातत्व विभाग ने गंभीरता जरूर दिखाई, लेकिन सर्वे शुरू नहीं किया गया है। अब शुक्रवार को जो कलाकृतियां इस इलाके में मिली हैं, बादशाहपुर थिएटर जो इलाका है, गुड़गांव और फरीदाबाद के बॉर्डर पर ये इलाका कहा जा रहा है, यहाँ पे किस तरह से अब पुरातत्व विभाग पूरे इस पूरे मामले पर संज्ञान लेता है, यह जरूर देखने वाली बात होगी। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।